Hello friends, I welcome you all to my channel Competition Cracker. आज हम बात करने वाले हैं RBI Office Attendant Exam जो कि आज हुआ है 6 जून 2018 को, तो उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह का आज सेक्शन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या आपका ओवरऑल कट ऑफ रह सकता है, कितने अटैम्प्ट गुड हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि आपको पता चल सके किस तरह का ट्रेंड इस एग्ज़ाम में रहता है जनरली, या फिर आपके आने वाले शिफ्ट में कैसा ट्रेंड रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम सेक्शन वाइज बात करेंगे और पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो मैं पहले एग्ज़ाम पैटर्न पर आ जाता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में देखेंगे अगर आप किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। रीजनिंग में रहते हैं 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स मैक्सिमम। जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। टोटल होते हैं 120 क्वेश्चंस और टोटल टाइम आपको मिलता है 90 मिनट्स, यानी डेढ़ घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं और 30 ईच चार सेक्शन में डिवाइडेड है। अब हम बात कर लेते हैं ईच सेक्शन के क्या क्या आज किस तरह का एग्ज़ाम आया है। तो पहले हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन आज मॉडरेट आया है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप थोड़ा सा, कंपेटिबिलिटी टू ऑल सेक्शंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही एक सेक्शन आया है आज। तो क्वांट सेक्शन में DI सबसे ज़्यादा आई है, वो आई थी टेबुलर DI आई थी, तो उसके एक आए हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एक DI आई थी मॉडरेट लेवल की। सिंप्लीफिकेशन के आए हैं 5 क्वेश्चंस ईजी लेवल के। नंबर सीरीज़ के आए हैं 5 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के। और मिसलेनियस जिसमें आपका CISI, टाइम एंड वर्क, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, ये जितने भी टॉपिक हैं ये मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो इसके 15 क्वेश्चंस आए थे, ईजी टू मॉडरेट थे, कुछ ईजी थे कुछ मॉडरेट थे। तो आप ओवरऑल 30 क्वेश्चंस आए हैं मॉडरेट लेवल के, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में भी अलग अलग टॉपिक्स आए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल्स आए हैं, 2 पज़ल्स आई हैं, ईजी टू मॉडरेट थी और एक सीटिंग अरेंजमेंट थी, एक दूसरी पज़ल थी। सिलॉजिज्म के आए हैं 3 क्वेश्चंस, वेरी इजी। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चंस, वेरी इजी। डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चंस, इजी। कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल, ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के आए थे। अल्फ़ा सीरीज़ यानी कि अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है वो भी 4, इजी टू मॉडरेट, कुछ इजी कुछ मॉडरेट। न्यूमेरिक सीरीज़ जो होती है आपकी वो भी 4 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट। तो ओवरऑल ये सेक्शन थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू क्वांट, तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस कह सकते हैं आप 30 में से, ठीक है जी। अब कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की बात। इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थी 1, 10 क्वेश्चंस थे उसमें, वो भी इजी टू मॉडरेट। सेंटेंस फॉर्मेशन यानी आपको रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को, 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। एरर्स निकालने 5 क्वेश्चंस, इजी। एरर डिटेक्शन, सॉरी स्पेलिंग यानी जिसमें स्पेलिंग एरर हैं वो 5 क्वेश्चन, और एरर डिटेक्ट करना उसके भी 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। और फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं 5 क्वेश्चन, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। ये सेक्शन भी कंपैरेटिवली क्वांट के और रीजनिंग के लाइक इजी टू मॉडरेट आया है। सबसे डिफ़िकल्ट आया है आपका क्वांट, ठीक है। तो अब अगर आप ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, GA में भी 30 क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको GA के क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है अलग से। अगर आपको GK के क्वेश्चन चाहिए क्या आए हैं, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट आए थे वो भी, तो GK भी इजी टू मॉडरेट आई है, उसकी एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो आज की कि कौन कौन से GK क्वेश्चंस आए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें रीजनिंग में आप 21 to 25 ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में 17 to 22, क्वांट में 19,
20 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं और जीए में 14 टू 18। लाइक ओवरऑल अगर आप 87 तक कर लेंगे, 87, 88, 85, 87 के बीच, तो आप इजीली पास आउट कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो इतनी तो आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी 120 में से 90 मिनट्स में। तो मतलब इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो ये रहा आज का एनालिसिस आपका आरबीआई अटेंडेंट एग्ज़ाम का। बाकी शिफ्ट्स की हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको जीके क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरे यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।